हेलो मिस्टर, क्या हाल है आपके? लॉकडाउन कैसा कट रहा है आपका? हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीकर ब्लॉग्स के अंदर। और आज हम एक बहुत ही खास टूर पर जा रहे हैं जो कि एकदम पूरे डेजर्ट के अंदर है वह जगह। और अभी हमारा भाई आने वाला है, उसके साथ जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है पूरे पूरे 6 बजे हैं, पूरे पूरे 6 बजे हैं। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। पूरा देखना वीडियो को, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगा। और ये हमारा ब्रदर एसकेपी व्लॉग्स आ चुका है और अब हम निकलेंगे टूर पर। और अब हम रुके हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर। गाड़ी तेल बहुत पीती है तो हमने यहाँ पर टैंक फुल करा लिया है और अब हम निकलेंगे। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे नागौर में। तो अभी थोड़ा सा स्टे किया था और थोड़ी देर हमने रुका है यहाँ पर और अब हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक गौशाला है यहाँ पर नागौर में, ये बहुत बड़ी गौशाला है जो आप हमारे चारों तरफ देख रहे हैं। नाश्ता किया है थोड़ा बहुत, तो आगे जाके इसके अंदर देखते हैं क्या है पूरा सिस्टम। और हमारे साथ है हमारे ब्रदर एसकेपी व्लॉग्स। यह है गौशाला है जिसके अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं और बहुत बड़ी गौशाला यह नागौर में है। और ये गाइस, यहाँ की सबसे बड़ी गौशाला है। और ये देखिए आप चारों तरफ देख रहे हैं। इस गौशाला को बहुत बहुत लंबी है, दूर दूर तक आप ये देखिए, दूर तक, बहुत दूर तक ये बहुत लंबी है। और ये देख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पर मोर भी है, आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, ये हमारे एसकेपी व्लॉग्स जो कि हमारे साथ है और बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे मेरे को चारों तरफ गाय ही गाय दिख रही है जो कि यहाँ पे अभी सुनने में आया कि यहाँ पे हिरण, चिंकारा और भी अन्य जंगली पशु पक्षी हैं जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पर 3 पैर के गोवंश है। और ये देखिए यहाँ पर ये है चिंकारा, हिरण, बंदर, लंगूर और तीतर, बजरीगर, सेवला, कुरंजा, देसी हिरण, उल्लू, पहाड़ी कछुए, चील, कोयल, गिलहरी, बगुला, ये यहाँ पर सब कुछ है। और हम इनके पास से दिखाते हैं, इनका मेनू है समय पर और ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर 200 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक्सीडेंट किसी पशु का हो जाता है तो इस गौशाला में लाया जाता है, वो भी फ्री में। ये बहुत बड़ी गौशाला है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये जंगली पक्षी हैं, इनको यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन, जो वन विभाग की टीम है जो इनको कहीं दूसरी जगह पर अच्छी सुरक्षा वगैरह, खान पान कहीं नहीं मिलता तो इस गौशाला में लाया जाता है इनको। तो ये देखिए, ये देखिए, ये है कबूतर, सफेद कबूतर। और ये देखिए इनकी यहाँ पर केयर की जाती है बहुत ही अच्छे से। और ये है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये देखिए। और ये इनके यहाँ पर खाने के लिए दाना पानी। यहाँ पर गिद्ध और वात,
गिद्ध, यह है गिद्ध जो कि आपने ओनली मूवी में देखा होगा। और यह है कछुआ, ये देखिए। ये जो आप हमारे चारों तरफ देख रहे होंगे, ये देखिए, ये पीछे इनकी एम्बुलेंस खड़ी है। और ये पीछे इनकी एम्बुलेंस है जो यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट किसी पशु का हो जाता है तो इन 100 नंबर पे कॉल कर दो तो ये एम्बुलेंस आ जाती है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरी गाय ही गाय और सारे पक्षी हैं यहाँ पर। इंडिया, ये देखिए, ये है लव बर्ड, लव बर्ड। और अब हम आगे चलते हैं। ये है बत्तख, ये देखिए डक। और चील, चील आपने, आपको चलो आज चील दिखाते हैं। ये है चील, ये देखिए। ईगल, और ये है लोमड़ी। और लोमड़ी, लोमड़ी भैया, लोमड़ी अंगूर खाने चली गई है। लोमड़ी का दरवाजा खुला है, लोमड़ी भी अंगूर खाने गई हुई है। ये देखिए, और अब आपको दिखाते हैं बंदर जो कि हमारे पूर्वज, ये देखिए, हम आपको हमारे पूर्वज दिखाते हैं। हेलो मिस्टर, क्या हाल है आपके? लॉकडाउन कैसा कट रहा है आपका? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। ये तो इग्नोर मार के जवाब ही नहीं दे रहा है। और आप यहाँ पर बेझिझक ऑनलाइन पेमेंट भी दान कर सकते हैं। और ये चारों तरफ गाय गाय है। और ये आप हमारे पीछे देखिए, हम आपको दिखाते हैं इनके साफ सफाई। ये इनका जो अनाज घर है वो है। और इनकी साफ सफाई देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से साफ सफाई की जाती है, बहुत अच्छी साफ सफाई है। और ये यहाँ पे इनके अनाज छानने की मशीन, ये यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज है, टॉयलेट्स जहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए। और ये बहुत ही अच्छी साफ सफाई की फैसिलिटीज है। और ये आप देख रहे हैं, और ये इधर गौ माता है ही। और ये इनका जो चारा मिल आता है, ये इनका चारा गोदाम है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ का जो कंट्रोल रूम है, कोई भी गाय बीमार हो या फिर और कुछ हो तो सबसे पहले यहाँ पर कॉल आता है इनके एम्बुलेंस कंट्रोल रूम सुविधा। और ये यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं। ये गोवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे इनकी पूरी जांच होती है, पूरा प्रशिक्षण होता है। और ये मेडिकल रूम है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर दवाइयाँ वगैरह वो रखी जाती है। ये एक्सरे मशीन है, किसी भी जानवर की कुछ भी एक्सरे किया जाता है वो इसके अंदर एक्सरे होता है। और ये ऑपरेशन थिएटर है, और ऑपरेशन थिएटर, और ये देखिए ऑपरेशन थिएटर है ये। और ऑपरेशन थिएटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है किसी। और ये गुफा का रास्ता, ये क्या है भाई? ये जो किसी पशु या पक्षी के लिए जो भी गुफा बनाई गई है उसके, उस गुफा बनाई जाती है। और ये सत्संग भवन, जो इनका जो भी कुछ सत्संग होता है वो यहाँ पर किया जाता है। अभी हम जा रहे हैं सत्संग भवन के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा अंदर, पूरा क्या सीन है। और ये देखिए सत्संग भवन अंदर से कुछ ऐसा सा है। और ये है इनके श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशल गिरी जी महाराज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए इनका सत्संग भवन गुरु जी का। और
करके देखिए गुरु जी की तस्वीरें। और ये देखिए इनका खुद का भी YouTube चैनल है, विश्व स्तरीय चिकित्सालय नागौर, और जो कि इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। इनका सत्संग का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सत्संग भवन के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो। और ये देखिए जो गाय का बच्चा, जो पूरा दूध भी यही पिलाते हैं और पूरी सुरक्षा केयर यही करते हैं। ये जब जन्मा था तब से ये यही है, इसका नाम भी निकल कर गोविंद। और उधर है वो गोपाल, इनकी बहुत एकदम अच्छे तरीके से इनकी केयर करी जाती है यहाँ पर। और अभी आपको आगे हिरण का बच्चा दिखाते हैं जो कि 15 दिन का बता रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं 15 दिन होने के बाद में 15 दिन का बच्चा है। और इसकी जब अभी भी पूरी अच्छी तरीके से केयर की जा रही है तो ये बड़ा हो जाएगा, तब इसको वन विभाग वालों के पास भेज देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा गाइज, ये देखिए आपको अगर रेगुलर इनकी जानकारी चाहिए तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी गर्मी चल रही है तो फिर इनको कंबल वगैरह की तो जरूरत नहीं है, बट सर्दियों के अंदर इनकी गौ माता जो बिस्तर है और जो कंबल है जो इनको सर्दियों से बचाव करती है वो इनका ये पूरा गोदाम है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गाइज ये है यहाँ पर इमू, तो देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये देखिए आरती स्थल, ये जो गाय है जो आपको दिख रही है ये इस जब गौशाला बनी थी तो इस गौशाला की जो पहली पेशेंट थी, इसको 12 साल हो चुके हैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि ये 12 साल हो चुके हैं इस गाय को, और इसकी बहुत अच्छी केयर करी जा रही है। और आप कोई भी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर ज़रूर आपकी पूरी होती है। तो आपको ये दिख रही होगी 12 साल से यहाँ पे जब इस गौशाला की नींव रखी गई थी तब की ये पहली पेशेंट है। और अभी आपको आगे दिखाते हैं पूरा। ये देखिए चारों तरफ गाय ही गाय, बहुत बड़ी गौशाला है। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी गौशाला देखी है।